इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर सदर नशीन बल्दिया के सी नरसिम्लू और नायब सदर नशीन बल्दिया ताटी गणेश के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की राह हमवार हो चुकी है। इस माह की 27 तारीख को दोपहर 12:30 बजे महबूब नगर म्यूनसिपल कौंसिल हॉल में जिला कलेक्टर जी रवि नायक की निगरानी में खसूसी इजलास मुनक्किद होगा। इस सिलसिले में कौंसलर्स को एक मकतूब भी हवाले कर दिया गया है। फिलहाल मौजूदा कौंसिल में कुल 49 कौंसलर्स हैं। वाजिर है कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी की जानिब से तहरीक अदम एतमाद के लिए 32 कौंसलर्स के साथ जिला कलेक्टर से रुजू किया गया था। जिला कलेक्टर इन करीब इजलास तय करने का तयखुन दिया था। इस तहरीक अदम एतमाद की फिजा आम होने के महबूब नगर की सियासत में फिर एक बार उबाला गया है और सियासी कायदीन के दरमियान लफ्जी जंग का आगाज हुआ है। इस जंग में कामयाब कौन होगा 27 जनवरी को होने वाले तहरीक अदम एतमाद के इजलास में मालूम होगा।